नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अरुण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे, जिनसे कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। अब आज के टाइम में दोस्तों देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसमें कंप्यूटर की जानकारी सभी के लिए आवश्यक बना दी गई है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज का ये वीडियो है। इसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB या 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, KB, MB, GB, TB, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछता है। तो 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो यह होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक है। और देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 KB के। इसके बाद बात करते हैं 1 GB की, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 MB के। तो देखिए, अगर कहा जाए तो बाइट से बड़ा होता है KB, और KB से बड़ा होता है MB, और MB से बड़ा होता है GB, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के। नेक्स्ट हमारा है HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। देखिए, कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो ये है चार्ल्स बेबेज। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, इसका हिंदी नाम है संगणक। हमारा अगला क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है, या CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए दोस्तों, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे HTTP हुआ, CPU हुआ, या IBM हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल CPU की बात करते हैं, तो ये देखिए, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है, तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गूगल याहू बिंग ये क्या है, तो गूगल याहू बिंग ये है सर्च इंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है सर्च इंजन, गूगल याहू बिंग ये क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई कौन है, यह है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखिए, ये इनपुट इकाई कहा जाता है इनको, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर को, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से है, देखिए पहला भाग है ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है रजिस्टर। प्रोसेसर की ये 3 भाग है, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। नेक्स्ट हमारा है EDP क्या है, देखिए EDP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में आपको कंप्यूटर का एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका कि फुल फॉर्म आपको बताना होगा। तो EDP का फुल फॉर्म क्या है, यह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्राई क्या है, तो देखिए क्राई एक सुपर कंप्यूटर है, क्राई जो है सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो देखिए परम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर में स्पीड बहुत तेज होता है और ये काफी तेजी से काम करता है। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड में सर्वाधिक फंक्शन के की संख्या कितनी होती है, देखिए कंप्यूटर में के कीबोर्ड में, ठीक है, फंक्शन के होता है जो कि F1, F2, F3, F4 इस तरीके से लिखे होते हैं, और आपका कीबोर्ड में जब आप ऊपर देखेंगे ऊपर की लाइन में ये होते हैं, इनकी संख्या होती है टोटल 12 होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो देखिए लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति से काम करता है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा है LCD का पूरा नाम बताइए, देखिए LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो देखिए है एक्सटर्नल मेमोरी। देखिए दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क इस आकार की होती है, ठीक है, यहाँ पे कोने में आपका थोड़ा सा इसे क्रॉस में कटा रहता है,
तो फ्लॉपी डिस्क जो है वह एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें आप अपना डाटा संग्रहित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डीवीडी क्या है। देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। और डीवीडी के बारे में आप जानते ही हैं, गोला सा एक होता है वृत्त जैसा और इसके अंदर एक होल जैसा होता है, ठीक है, इसको डीवीडी बोलते हैं। तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर में आईबीएम का फुल फॉर्म। देखिए आईबीएम का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है। तो देखिए जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखिए सबसे छोटी इकाई को कहते हैं बिट। देखिए डॉस का पूरा नाम पूछा है, डीओएस, डॉस का पूरा नाम क्या है, तो देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड दोस्तों देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, ये भी आप जानकारी आप जान लीजिए। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना कोई भी एप्लीकेशन या मेल लिखना हो, रिज्यूम जैसा बनाना है, तो ये सारी चीजें आप एमएस वर्ड में आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैन किसका लघु रूप है। देखिए लैन, मैंने आपसे बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फुल फॉर्म कोई भी चीज दे देगा उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। देखिए HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है, तो करता है ब्राउजर। देखिए ब्राउजर में आपको मैं कुछ ब्राउजर के भी नाम बता दे रहा हूँ, जैसे मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। एप्पल सफारी क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। ओपेरा मिनी क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। इस तरीके के बहुत सारे ब्राउजर हैं। गूगल क्रोम क्या है, ये भी एक ब्राउजर है। तो ये सारे ब्राउजर है और कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में ब्राउजर ही मदद करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत देखिए कब से हुई है, यह हुआ है 1995 में, 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। और नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल का पूरा नाम क्या है। देखिए ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से पूछ लिया गया है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। हमारा अगला क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक कौन है। देखिए WWW के आविष्कारक है टीम बर्नर्स-ली। और देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप जानते रहिए वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। देखिए बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ बिल गेट्स का ही नाम दिया हुआ हो, तो आप घबराइएगा नहीं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वही सही होगा, बिल गेट्स ही सही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। नेक्स्ट हमारा है भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या देखिए किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका USA सबसे ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन हमारा है फेसबुक का सबसे अधिक यूजर देखिए किस देश के हैं, तो वे अमेरिका के हैं, सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर जो है वे अमेरिका के हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर से जो रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आने वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है। यह किया गया है पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। तो दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम डेली के डेली ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं जो आपके करियर में काफी ज्यादा सहायक होते हैं।